हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम में लगभग उसी से आएंगे, क्योंकि लगभग हम कई बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा चुके हैं। आप जैसे देख सकते हैं, हम कई दिनों से पढ़ाते हैं। लास्ट टाइम भी हम गेस किए थे, लगभग वही क्वेश्चन आया था। वो वीडियो हमेशा अपलोडेड रहता है, क्योंकि हम अगर ऑफलाइन में बात करें तो झूठ हो सकता है, ये ऑनलाइन है, ठीक ना। और ये सोशल मीडिया है, कभी इसमें हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा अपलोडेड रहता है। लास्ट बार में हम थ्योरी बहुत पढ़ाए थे, और अगर पिछला क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही थ्योरी आया था। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात हम कर रहे हैं, उसमें ऐसे कई क्वेश्चन आए थे जो थ्योरी लिखना था, समझ में आया। और कई बात को हम ऐसे ही पढ़ा चुके थे, हमें नहीं मालूम कि थ्योरी आ रहा है, लेकिन सारा क्वेश्चन लगभग ऐसे थ्योरी आया था। इसलिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन आपको वहीं से आएगा। यदि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छी रीति से कर लेते हैं, अच्छी रीति पढ़ लेते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो मेरे पास आइए, हम उसका जवाब दे ही है। 100% हम ला कर सकते हैं जो क्वेश्चन लिखे हैं। अगर उसमें बच्चा अगर पूरा पढ़ ले, अगर फेल हो जाए तो हम YouTube पर पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें मालूम है क्या क्वेश्चन आने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें, इसमें 6 यूनिट है, अच्छी रीति से जानते हैं, ठीक ना। 4 यूनिट आपको अच्छी रीति से पढ़ना है, जो कॉपी किताब ड्राइंग शीट पर, लेकिन 2 यूनिट जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, कैड है, उसको आपको कंप्यूटर पर करना रहता है, लेकिन उसके बारे में थ्योरी आता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे लगभग इससे ज्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी आपको बता देते हैं। इसमें आपको थ्योरी ज्यादा आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ज्यादा बनाना नहीं है, ठीक ना, थ्योरी आपका है। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरा लिखना है, क्या क्या है, पेंसिल है, कटर, रबर, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज करते हैं, कौन कौन सा पेंसिल होता है, सारा प्रकार के टाइप्स ऑफ पेंसिल इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या क्या इसमें जरूरत पड़ता है, किस प्रकार का स्केल, किस प्रकार का प्रोटेक्टर, किस प्रकार का चांद, और किस प्रकार का सारा इसमें ड्राइंग शीट क्या होता है, ठीक ना, सारा प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उनके बारे में इसमें इंस्ट्रूमेंट में लिखना है। एकदम थ्योरी है ये, अगर आ जाएगा बहुत ही अच्छा रीति से लिखिएगा। चलिए दूसरा है टाइप्स ऑफ लाइन एंड यूज ऑफ इच टाइप ऑफ लाइन्स। ये क्वेश्चन लगभग पिछला बार पूछा था, जो लास्ट एग्जाम दिया है बच्चा, उसके बारे में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ लाइन कितना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, प्लेलिस्ट का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आप वहां से जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लगभग सब क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। इसलिए हम लगभग बार बार हम वीडियो बनाने के लिए हम लोग असमर्थ हैं, पहले से वीडियो बना हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा एफर्ट भी नहीं ले पा रहे हैं। चलिए ये देखिएगा, डिफाइन RF, देखिए RF आपको जानना जरूरी है। RF अगर आप जान लीजिएगा तो आपको कई क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ तो फाइन करना, आपको थ्योरी लिखना है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पिछला बार जो लास्ट एग्जाम में स्केल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ध्यान दीजिएगा, स्केल से जो बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आए थे, अगर प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल से अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो RF बिना बनेगा नहीं, ये तो आपको जानना ही जानना है, लेकिन यहाँ लिखने के लिए बोला है RF क्या होता है, किस प्रकार यूज होता है, किस प्रकार उसको कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। चलिए अगर उसको क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ लिखे नहीं है, ध्यान जगह मेरे प्रिय छात्र, वो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना, उसको जो बनाने के लिए आते हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। लास्ट बार नहीं पूछा था, इस बार अगर पूछ दे तो अच्छा है, उसको पढ़िएगा, हम लिखे नहीं हैं, ठीक ना। चलिए अब डिफाइन रिड्यूस स्केल, इनलार्ज स्केल, फुल स्केल, ठीक ना, इसको इस स्केल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम में पूछा गया था, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, 1:1 क्या होता है, 1:2 क्या होता है, 1:4 क्या होता है, 4:1 क्या होता है, बस यही आपको पढ़ लेना है, रिड्यूस स्केल, इनलार्ज स्केल, फुल स्केल, आपको बस हो जाएगा। चलिए डिफाइन प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, इससे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन हो सकता है इस बार आ सकता है। बस यूनिट नंबर 1 से इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपको खत्म। आपको ज़्यादा हम नहीं दे रहे हैं कि पूरा सिलेबस आपको भरदम भरदम दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, बस 5 क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए यूनिट नंबर 2 में बहुत 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और यूनिट नंबर 3 में हम लगभग 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ये आपको रीढ़ की हड्डी है। जो बच्चा यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 पढ़ लिया ना, अगर वो फेल हो जाएगा, मेरे पास आएगा, उसका जवाब देंगे हम। ये आपको जो बच्चा, और कोई मत पढ़िए, और कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ने में दिक्कत
दिक्कत हो रहा है तो भाई वो मत पढ़िए, लेकिन यूनिट नंबर 2 और 3 अगर जो पढ़ लेगा 100% पास करेगा, क्योंकि इससे सारा क्वेश्चन लगभग आपको अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसको से लगभग हम कह सकते हैं जो 70 नंबर का क्वेश्चन होता है, किस प्रकार आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन 20 हुआ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन 5 आपको पूछे जाएंगे, 4 × 5 = 20, 20 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं जो कोई आपको 3 सॉल्व करना है, 30 नंबर, टोटल 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। इस 70 नंबर में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 से हम दावा करते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन आपको रखा हुआ है, यानी 70 में आपको 30 नंबर यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का 17 ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक। अब दोनों में देखिए, यहाँ VVI क्वेश्चन लिखे हैं, ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में अधिक कन्वर्ट कीजिए। अगर दो चीज़ को आप जान जाते हैं ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन दे, अगर आपको आइसोमेट्रिक का कोई भी क्वेश्चन दे, ऑर्थोग्राफिक का कोई भी क्वेश्चन दे, आपका अगर पूरा अगर पढ़ लिए हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 दिन रात पढ़िए, जितना भी क्वेश्चन है ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक में बदलिए, आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में बदलिए। अगर कोई फिगर दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया गया, फ्रंट व्यू दिया गया है, ठीक है, साइड व्यू दिया गया है, उसको आपको एक साथ करना है, आइसोमेट्रिक बनाने के लिए बोल रहा है, आइसोग्राफिक बनाने के लिए, कुछ भी आपको बनाने के लिए बोल रहा है, एकदम आराम से बना दीजिएगा। बहुत ही एक क्वेश्चन अगर पकड़ लीजिएगा ना, तो इतना हमको लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आपको हम वीडियो बनाने का मेन मुद्दा है, आपको हम ज़बरदस्ती उस पर फोकस कर रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक दो आपको पकड़ लीजिए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या क्या क्वेश्चन लिखे उसको हम करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है अगर लिखने के लिए आ जाएगा ठीक है, अगर उसको भी देख लीजिएगा ठीक ना। अगर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल इसको डिफाइन करने के लिए लिखे हैं, अगर एक थ्योरी में पूछ दे तो बहुत अच्छा है ठीक ना। अब किस प्रकार इसको बनता है उसको भी आप लिख दीजिएगा। ऑर्थोग्राफिक जहां बनाने के लिए आपको कहेगा, अधिकतर थर्ड में बनाने के लिए कहता है, फर्स्ट में आप वहीं बनाइएगा। चलिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात हुआ था, यूनिट नंबर 3 इसमें आपको दिया रहेगा ठीक ना, आपको इस प्रकार निकालना है, साइड व्यू निकालना, प्लेन व्यू निकालना है, इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या हो उसको देख लीजिएगा डिफाइन करने के लिए, नेचुरल स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है आपको हम बता चुके हैं ठीक ना। आप नीचे लिंक है, आप देख लें डिफरेंट व्यू में आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, ये आपको थ्योरी की बात हुआ, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको आपको आइसोमेट्रिक दिया रहेगा और ऑर्थोग्राफिक बनाना है ठीक ना, उसको अलग अलग करना है। समझ में आया, बहुत ही ये दोनों यूनिट क्वेश्चन यहाँ दे नहीं रहे कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक आप पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, यूनिट नंबर 4, यूज ऑफ फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड स्केच का कहाँ यूज होता है, किस प्रकार यूज होता है उसको आप पढ़ लीजिएगा, इंजीनियरिंग फील्ड में ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में पर चर्चा किया गया है। मान लीजिए और दूसरा क्वेश्चन है, ड्रा फ्री हैंड स्केच, कुछ दिया रहेगा, नट बोल्ट अधिकतर आता है, नट का साइज याद रहेगा, उसका डायमीटर ही रहेगा, आपको बनाना है। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आसान समझ लीजिएगा फ्री हैंड स्केच का ठीक ना। फ्री हैंड स्केच किस प्रकार बनता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या फायदा है, क्या इस प्रकार सारे बातों का हम चर्चा कर दिए हैं, इसका सेपरेट वीडियो बनाए हैं फ्री हैंड स्केच का ठीक ना, और इसको बहुत ही अच्छे तरह से इसको बनाए हैं, कवर किए हैं, आप उस वीडियो को देखिए क्लियर हो जाएगा ठीक ना, कहाँ यूज होता है, किस प्रकार बनता है, उन बातों को क्या क्या एडवांटेज है उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा फ्री हैंड। अब हम लोग चर्चा करते हैं कैड यूनिट नंबर 5 और 6, ये थोड़ा सा मुश्किल है, कमज़ोर बच्चा के लिए मुश्किल है, और अगर आप थोड़ा सा थ्योरी अगर जान भी जाएगा उसके ऊपर ऊपर बात को जान देंगे तो आराम से पास कर सकते। तो क्या है कि कंपोनेंट ऑफ द ऑटोकैड, कंपोनेंट क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में लिखना है, एडवांटेज ऑफ द कैड सिस्टम डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, क्या क्या उसका एडवांटेज है कैड का ठीक ना, उसके बारे में लिखना है ठीक ना, इनपुट डिवाइस के बारे में लिखना है ठीक ना, यूजेस ऑफ कैड के बारे में लिखना है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, किस प्रकार यूज हो रहा है, क्या उसका एडवांटेज है ठीक ना, यूज के बारे में लिखना है। अब मेन क्वेश्चन जो ऑटोकैड का है कि उसका एक प्रोसेस दिया रहेगा ऑटोकैड ठीक ना, स्टेप नीडेड टू ड्रा सर्कल या इलिप्स या कुछ भी यहां दिया रहेगा, रेक्टेंगुलर एक आपको स्टेप लिखना है कि अगर आपको रेक्टेंगुलर बनाना है कैड में तो क्या क्या स्टेप आपको जरूरत पड़ेगा, कौन कौन स्टेप कीजिएगा ठीक ना। तो एक क्वेश्चन अलग आ सकता है, हो सकता है वहाँ सर्कल, पिछला बार सर्कल दिया, इस पर रेक्टेंगुलर देगा, इस पर इलिप्स देगा, इस किस प्रकार देगा, आपको वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक ना। तो ये आपको कैड की बात है, कैड में बहुत ही 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही अच्छा है कि कंपोनेंट क्या क्या होता है ऑटो कैड में, बहुत ही अच्छा है, एडवांटेज क्या है डिजाइन और ड्राफ्टिंग में। तीसरा क्वेश्चन है इनपुट
डिवाइस क्या होता है, यूजर सबगाइड क्या होता है, और एक लास्ट क्वेश्चन दिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको स्टेप लिखना है, अगर आपको सर्कल डिजाइन करना है या तो आपको रेक्टेंगुलर बनाना है या अलग अलग कुछ प्रकार का आपको दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन आपको बस इतना आप पढ़ लीजिए, आप आराम से बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे। बस इतना पर फोकस कर दिया, दिन रात लग दीजिए, क्वेश्चन बस यही आएगा। आप इससे ज़्यादा आप पढ़ने के लिए कोशिश मत कीजिए, जितना जो हम लिखे हैं इतना आप पढ़ लीजिए, आप काफ़ी है, बहुत ही अच्छा मार्क्स को देगा। लेकिन यूनिट नंबर दूसरा और तीसरा पढ़ने के लिए ना भूलें। चलिए इन्हीं सब ऑल द बेस्ट करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट को पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम लोग रिप्लाई देने के लिए कोशिश करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।